नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम कावेरी सीड लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ट्रिगर बन जाएगा, इसमें एक बड़ा मूवमेंट एंड मल्टीबगर रिवार्ड मिल सकता है। तो किस टाइप का सेटअप बन रहा है डिटेल्स में कवर करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट वजह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 3582 करोड़ के आसपास है। रिजर्व कैश कितना है 1354 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 640 एंड लास्ट ट्रेडिंग डे में यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 5.5% डाउन था। अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे 244 का, प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 2.62 एंड प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 60% के आसपास, जिसको आप पॉजिटिवली ले सकते हैं। अगर डेप इक्विटी देखेंगे जीरो है, एक जीरो डेप कंपनी है जो कि पॉजिटिव साइन है। इंडस्ट्री पी चल रहा है 30 के आसपास एंड स्टॉक का पी यहाँ पे चल रहा है 12 के आसपास। इंडस्ट्री पी के नीचे एंड आधा पी में यहाँ पे स्टॉक का पी यहाँ पे चल रहा है। अगर आप लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 5.72%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 5.5% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 38%। तीनों टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस एक रेंज के अंदर अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप इस कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए, जून 21 में इसका सेल्स था 630 करोड़ का। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था सेल, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे हाइस्ट लास्ट 10 क्वार्टर का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है जून 23 में, जो कि सेल्स था 736 करोड़ के आसपास। और नेट प्रॉफिट देखिए कितना है, वो पीक बना है यहाँ पे जून क्वार्टर में 275 करोड़ के आसपास। अगर आप लास्ट 10-12 क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया है जून 23 क्वार्टर के ऊपर। अगर अभी हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए, प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 60% के आसपास, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। हायर प्रमोटर होल्डिंग है 50% से ऊपर है एंड एफआई यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 16.2%, इसको आप पॉजिटिव साइन मान सकते हैं एंड एफआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर डीआई का होल्डिंग देखेंगे 6.76%, वो भी एक पॉजिटिव साइन है एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 15.58%। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर का होल्डिंग देखेंगे तो देखिए, बिग इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्टेड नहीं है पब्लिक कैटेगरी में। जो माल यहाँ पे 15.5% है वो रिटेल पब्लिक के पास है, इंडिविजुअल जिनका होल्डिंग बिलो 1% है। किसी भी शेयर होल्डर का होल्डिंग एबव 1% इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम आ जाएगा। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं एंड इस स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन 15% के आसपास है, जिसको आप पॉजिटिवली कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ ये जो स्टॉक का प्राइस है मल्टी ईयर से अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, जो कि अभी हम चार्ट में देखेंगे। एक बार ट्रिगर बन जाएगा तो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ जाएगा और उसके बाद बड़ा मूवमेंट इसमें आ सकता है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए, जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन है कावेरी सीड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। पहले अभी हम मंथली में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वीकली में जाकर देखेंगे। देखिए, प्राइस यहाँ पे 2008 में बॉटम बना था। बॉटम बन जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था एंड यहाँ पे टॉप बना था 2014 के आसपास एंड 2014 से अभी हो गया है 2023। लास्ट 9 ईयर्स से प्राइस देखिए एक रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि लार्जर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गर द मूव। देखिए कितना बड़ा रेंज, लगभग 9 ईयर्स का रेंज प्राइस यहाँ पे बना रहा है। अगर यहाँ पे एक बार ट्रिगर बन जाता है एंड आने वाले टाइम में इस स्टॉक का प्राइस वीकली क्लोजिंग 750 के ऊपर दे देता है, उसके बाद इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है एंड नेक्स्ट टारगेट इसका 2000 के आसपास जा सकता है। लेकिन इसलिए थोड़ा ट्रिगर का पेंडिंग है, प्राइस को एक बार 750 के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, जो कंसोलिडेशन का रेंज है। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। क्लियर कट देखिए, प्राइस उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। बस एक बार क्लोजिंग आने दीजिएगा 730-750 रेंज के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पे इनिशियल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अगर वाटर टेस्ट क्वांटिटी वो अलग बात है, लेकिन बड़ा ब्रेकआउट तो अभी ट्रिगर बनेगा जब प्राइस यहाँ पे जो मल्टीयर का रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है 730-750 इसी रेंज के ऊपर, जब वीकली क्लोजिंग आएगा। एक बार वीकली क्लोजिंग इसी रेंज के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद
यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आ सकता है एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे बन सकता है 2000 के आसपास, क्योंकि एक स्टॉक का प्राइस में जब भी मल्टीयर का ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद अपसाइड तो अनलिमिटेड है, बस आपको आपका रिस्क क्वांटिटी के हिसाब से आपको ट्रेल करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट को कैप्चर करना है। इस स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा, ट्रिगर का वेट कीजिएगा 730-750 जोन का ब्रेकआउट का वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अभी मैं आपको राशियो चार्ट दिखाता हूँ, राशियो चार्ट में किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है एंड राशियो चार्ट से हमको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस आएगा या अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्लियर कट देख सकते हैं, यहाँ पे राशियो चार्ट भी एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर फॉलो कर रहा है, इसका मीनिंग है कि निफ्टी 500 को अभी तक लास्ट 9 ईयर से अंडर परफॉर्म कर रहा था। जैसे ही प्राइस इस चैनल को यहाँ पे ब्रेक कर देगा उसके बाद मल्टी ईयर का आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा। 730-750 के लेवल के ऊपर मार के जाएगा, उसके ऊपर जैसे ट्रिगर बनेगा नेक्स्ट मूवमेंट आ सकता है। मैं आशा करता हूँ हम डेटा चैनल से समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।